में जो भी सीटें हारे हैं इन्होंने कोई विकास नहीं किया, केवल राम के नाम से वोट मांगे। कह रहे हमने बनवाया, अरे राम सबका घर बनवाते हैं, आप क्या उनका घर बनवाए हैं, और वो भी 2 करोड़ जमीन जो है 20 करोड़ में बैनामा करा लिए। राम मंदिर के नाम पे इन्होंने अयोध्या को बर्बाद कर दिया। प्रभु श्री राम जी इन लोगों से बहुत ज्यादा नाराज है, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम से जो है ये कह रहे हैं जो राम को लाए हैं उनको लाए, राम को कोई ला पाएगा? राम सबको लाए हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव का परिणाम तो आने के बाद से जो है सभी पार्टियों में अपने जो है रुझानों और परिणामों के तहत जो है कई बैठकें कर रही, अपना जो है मंथन कर रही है। क्या वजह रही है कि इस बार जो है कि जहां जो अयोध्या राम के नाम पर जो है भाजपा कई बार सरकार में आई, क्या वजह रही कि जो है कि इस बार जो है पूरे अयोध्या मंडल में जो है साफ हो गई है, जो है सभी का हार का सामना करना पड़ा, इन सबके जो है मुद्दों को लेकर के जो हम देखने का हम जानने का भी प्रयास करें, क्या वजह रही है कि किन मुद्दों से जो है ये हावी रहे हैं। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, हाँ बताएं जो है कि क्या वजह रही जो है कि अयोध्या में जो है सभी सीटें हार गई अयोध्या मंडल की। अयोध्या मंडल में जो भी सीटें हारे हैं इन्होंने कोई विकास नहीं किया, केवल राम के नाम से वोट मांगे और उसके बाद जनता को परेशान किया गया। जनता इनसे नाराज है, बेरोजगारी है, शिक्षा के मामले में भी पीछे है, जनता में इनके प्रति नाराजगी बहुत ही ज्यादा है। उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पे जो भी काम किए हैं केवल उद्योगपति के पक्ष में किए हैं, जनता के लिए उन्होंने कोई काम नहीं किया। जैसे आप विकास देखिए, कोई विकास नहीं है। राम मंदिर के नाम पे इन्होंने अयोध्या को बर्बाद कर दिया, सबका मकान तोड़वा दिया गया, सब बेघर हो गए। जो वहाँ स्थानीय लेवल पे इसकी नाराजगी थी, हाँ स्थानीय लेवल पे ये नाराजगी है हर जगह, जबकि अयोध्या तो पूरी दुनिया में जो है एक बड़ा मुकाम हासिल किया, बड़ी तो पहचान बनाने में। पहचान है तो राम मंदिर के नाम पे पहचान है, तो क्या आप भगवान को बेच के सत्ता में आएंगे? आप ईश्वर का नाम लेके आओगे? जनता के बीच में आप जाइए, काम देखिए, फिर आप वोट मांगिए। तो हमारे साथ और भी लोग हैं, हम इससे भी जानना चाहेंगे। तो हाँ बताएं कि जो इस बात हुई अयोध्या मंडल की सभी सीटें जो थी वो सब जो है हार गई भाजपा, क्या वजह है? उसकी वजह यह रही कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर, बेरोजगारी जो बच्चे युवा थे वो कई बार सालों से कोचिंग कर रहे थे, उनके लिए नौकरी जो वांट निकलती थी उसका पर्चा लीक हो जाता था, ये सब नाराजगी की वजह बना। और अयोध्या में बड़े बड़े गुजरात से ला करके व्यापारी बैठा दिए, वो अपना बिजनेस चला, वहां लोकल के जो व्यापारी थे, लोकल की जनता जो थी वो बहुत ही नाराज थी इनके इन कृत्यों से। और वहां ये भी था राम मंदिर जो इन्होंने कहने हमने बनवाया, लोगों ने चंदा दिया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश में राम मंदिर बना, और वहां जो है कह रहे हमने बनवाया, अरे राम सबका घर बनवाते हैं, आप क्या उनका घर बनवाए हैं, और वो भी 2 करोड़ जमीन जो है 20 करोड़ में बैनामा करा लिए। ये सारी जनता बहुत नाराज थी इनसे, वहां गरीबों को मकान को तो कारीगर के नाम पे तोड़ा गया, उससे भी जनता नाराज थी। तो ये इस तरीके की नाराजगी लोगों के सामने आ रही है, हमारे साथ और भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। हाँ बताएं जो है कि क्या आप देख रहे हैं कि क्या वजह रही इसके पीछे? प्रभु श्री राम जी इन लोगों से बहुत ज्यादा नाराज हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम के नाम से जो है ये कह रहे हैं जो राम को लाए हैं उनको लाए, राम को कोई ला पाएगा? राम सबको लाए हैं, और राम जी ने दिखाया है कि हमारे नाम से नहीं अपने काम से वोट मांगो। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से भाई बता रहे कि जो है ये प्रभु श्री राम जी का मंदिर बना है, सारे धर्म के लोग हिंदू मुसलमान सभी ने सहयोग किया, सभी ने चंदा दिया, अब ये कह रहे हैं कि हमने बनवाया है, और ये चंदा चोरी किए हैं, पता नहीं कितना हजारों करोड़ रुपया आया, ये 2 करोड़ जमीन 20 करोड़ में 50 करोड़ में बेचे हैं। तो इन्होंने राम के नाम पे जो जिस तरह से किया है, तो राम जी इनसे नाराज हुए, अभी तो हल्का से दिखाया है, अभी ये तो ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी, अगर अभी सुधर गए तो सुधर गए, नहीं तो ये राम जी इनको खत्म कर देंगे। पब्लिक कैसे नाराज? पब्लिक इसीलिए नाराज है ना, विकास के नाम पे वोट मांगो, राम के नाम पे आपने वोट मांगा और राम को बेच लिया आप,
इतनी महंगी सस्ती जमीन महंगी महंगी में बेच लिए, इसलिए जनता यहाँ पे अयोध्या मंडल में इनसे ज्यादा नाराज थी, इसीलिए हम उत्तर प्रदेश में इनको बहुत कम सीटें मिली है। अभी सुधर जाइए, अभी रोजगार में बात करिए, शिक्षा स्वास्थ्य बात करिए, जो पेपर लीक हो रहा है बच्चों का उस पर बात करिए, उस पर काम करिए, धर्म जात छोड़ दीजिए, आप हिंदू मुसलमान छोड़ दीजिए, एजमा आएगा तो आप पाकिस्तान चले जाएंगे, तो ये गुजरा होगा। प्रधानमंत्री जी का जो भाषा था चुनाव में बहुत ही निंदनीय था, इस तरह से आप चुनाव जो लड़ेंगे तो आपका इससे ज्यादा हाल खराब होगा। तो आप देख रहे हैं अयोध्या को लेकर के काफी नाराजगी है, और भी हमारे साथ हैं तो हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। तो हाँ बताएं कि क्या वजह है कि जो है अयोध्या मंडल की सभी लोकसभा सीटें जो है भाजपा हार गई। उसमें सबसे बड़ी वजह ये रही है कि जैसे कि आज हम लोग बेरोजगार हैं, काम धाम भी नहीं है लोगों के पास, और काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं लाइफ में, और आप जो है हमेशा जो है बात कर रहे हैं श्री मंदिर को लेके, और जो है अदर दूसरी भी चीज़ें आती हैं उसके लेके, कोई भी मतलब स्वास्थ्य है, एजुकेशन है, और रही बात रोजगार की, उस पर कोई बात ही नहीं हो रही है। चुनाव आता है तो आप जो है कहते हैं कि जो है हम सब कर रहे हैं ये कर रहे हैं, उधर सोनू निगम ने भी ट्वीट किया कि जो है कि आपको जो है आपने वोट जो है मतलब मैंने वहाँ एयरपोर्ट दिया, राम मंदिर दिया, उसके बावजूद भी जो है भाजपा वहाँ से क्यों हारी, तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये रही है क्योंकि वहाँ पे काम जो है जो होना चाहिए वो हुआ नहीं है, और वहाँ के रहवासी जो जनता है काफी जो है पीड़ित है इनसे, इसलिए जो है उन्होंने चुनाव जो मतलब वोट जो है भाजपा को दिया नहीं है, और इसका प्रभाव जो है इसके आसपास के जिलों में भी, इसका आसपास के जिलों में भी काफी प्रभाव पड़ा हुआ है। जैसे अम्बेडकर नगर को ले लीजिए, वहां से भी जो है लालजी वर्मा जो है निकले हैं, भाजपा जो है हार चुकी है, और फिर रही बात जो है गाजीपुर हो गया अपना, इसके पीछे कहीं तो मतलब प्रत्याशी क्या है, प्रत्याशी जो है अब वो प्रत्याशी अपना जो है बेरोजगारी से आ रहे हैं, उसमें कोई वो नहीं है, बाकी जो है जनता जिसको सही समझी उसको जो है जिता चुकी है। और बाकी देखिए यार, इनका कहना है कि इस बार जो है मंदिर मुद्दा और जिस तरीके से अयोध्या को डेवलप किया गया वो सब मुद्दे जो है सही कहीं कहीं साइड हो गए, और लोगों को जो है जो अपने जीवन यापन के तमाम जुड़ी चीजें थी, शिक्षा रोजगार ऐसे सब उनसे निकल गया है। हाँ तुम्हारे साथ यही है, तो हम बताएं क्या वजह रही कि जो है अयोध्या मंदिर की तरफ बेरोजगारी वजह रही है। बेरोजगारी के कारण अब हम लोग दुकानें खोलते हैं, हर चीज ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन आदमी मंगा रहा है, ऑनलाइन प्रोडक्ट कर रहा है, दुकान वाले बेचारे कहाँ से किराया देंगे, हर चीज जब ऑनलाइन मिलेगा, दुकानें खोल रखी है, दवाइयों की दुकानें हो गई और भी दुकानें हो गई, ये लोग कहाँ से देंगे। पेपर लीक हो रहे, बीजेपी सरकार ने पेपर लीक किया, किसी सरकार में पेपर नहीं लीक हुआ, जितना बीजेपी सरकार में पेपर लीक हुआ, कोई नौकरियां नहीं, कोई कुछ नहीं, सबसे शिक्षित बच्चे हैं जो आज फिर रहे मारे मारे, कोई नौकरियां नहीं मिल रही हैं उनको, सबसे ज्यादा यूपी में के बच्चे परेशान हैं। तो ये देखिए कहीं कहीं जो है रोजगारी बेरोजगारी महंगाई और मुद्दों को लेकर परेशान है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं तो जानना चाहेंगे। तो हाँ आप बताएं जो है कि अयोध्या एक बहुत विश्व पटल धार्मिक स्थल का स्थान दिया, और पूरी दुनिया में लोगों को जो कहा जा रहा है, ये क्या वजह है कि अयोध्या मंडल की जो है सभी लोकसभा सीटें सब हार गई, इससे क्या वजह, क्या मुद्दे चले इसके बाद क्या, इसके लिए हमारे अयोध्या मंडल में यही वजह रही कि शिक्षा पे इन्होंने नहीं ध्यान दिया, रोजगार पे इन्होंने नहीं ध्यान दिया है, और फिर हम लोग बीएड करके ऐसे पड़े हैं, उसके बाद शिक्षा और फिर रोजगार पे माननीय मोदी जी या हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों के बारे में ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। अयोध्या गए हैं आप? अयोध्या गए, कैसा लगा? अयोध्या तो गए हैं, देखने में तो ठीक ही है, लेकिन अब भाई क्या विकास लगा है, डेवलप हुआ विकास? मंदिर वहाँ बनवाए हैं, बाकी विकास हमें नहीं लगता है कि वहाँ विकास किए हैं, केवल मंदिर ही मंदिर दिख रहा है।
पब्लिक में किस तरीके का मुद्दे जा रहा है? पब्लिक तो यही सोच रही है कि हमको वो मिले, रोजगार मिले, शिक्षा मिले, हाँ यही सब सोच रहे। लेकिन उनको माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय प्रधानमंत्री जी दे नहीं रहे हैं, इसलिए उनको वहाँ से हमारी जनता ने वहाँ से नकार दिया। तो ये देखिए हमारे साथ ये एक ओपिनियन पोल में जो है काफी लोगों से हमने बात किया, तो ये चीजें निकल के आ रही है कि सरकार ने जो अपने राम जन्मभूमि को जो है मंदिर बनवा करके जो है किस तरीके से उसका जो है प्रोत्साहन लेकर के पब्लिक में बड़ी बड़ी बातें करके लोगों को अपने पाले में करने का काम किया, लेकिन वही पब्लिक ने अपनी मूलभूत सुविधाएं शिक्षा रोजगार और बेरोजगारी को लेकर के जो है कुछ किया, यही वजह रही कि जिससे जो है लोकसभा में काफी सीटें आई और अयोध्या मंडल की सभी सीटें भाजपा को हार का सामना करना पड़ा। आसाराम वर्मा, न्यूज ऑन इंडिया, अम्बेडकर।